Dr. Dean Park, Park Musa, Dr. S.K. Tanpa, सारे आपसे इंस्टीट्यूशन के स्कूल साहिबान एकदम सजीव और कपड़े बैठे इस बैटरी कॉलेज सारे प्रोफेसर साहिबान क्योंकि सर किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर को बगैर उस कॉलेज की शान नहीं पाती सारे प्रोफेसर साड़ी शान हो और तुम सारे उसे जानने की बात रखे लेकिन बगैर तो आपकी बैटरी पर कोई शान नहीं होती सच्ची गल यह है कि डॉक्टर नागपाल साहब सारे को काफ़ी देर हो गए लेकिन इन्हों की बड़ी छोटी टेन्योर जी है एज प्रिंसीपल मैं लगता है कि इन्होंने 9-10 महीने के जो किसी आम प्रिंसीपल ने 4 साल चुना काम किया होगा जिन्हें इन्होंने 9-10 महीने काम किया अच्छ बड़ी अच्छी भावना के नाम बड़े उम्मीद के नाम डॉक्टर नागपाल साहब सॉरी डॉक्टर कपूर को एक जी आई मिल है और मैं उम्मीद है कि यह इंस्टीट्यूशन जो है इन्हों की लीडरशिप थले दिन और रात दिन दुनिया रात थैंक यू वेरी मच असी खड़े हैं जी वैटनरी कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के इत्थे अज नवें प्रिंसिपल की जॉइनिंग हुई है तो साढ़े नाल खालसा कॉलेज गवर्निंग कौंसल के ऑनरेरी सैकटरी सरदार रजिंदर मोहन सिंह जी शीना खड़े ने उन्होंने पूछते हैं कि किवें सर तुसी जदों एक प्रिंसिपल नूं जॉइन करवाउणा हुंदा तां किवें दी सोच लैके तुसी चलदे हो कि कीड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने उह इंप्लीमेंट होण बड़ा अच्छा सवाल तुसी कीता ते औखा सवाल भी कीता अज मैनूं खुशी है कि वैटनरी कॉलेज खालसा कॉलेज जिहड़ा वैटनरी कॉलेज है इक पंजाब दा और देश दा कॉलेज है जिहड़ा प्राइवेट कॉलेज नूं मन्निया जांदा है और गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी है उहदे अंडर वी इक कॉलेज है जिहड़ा सोसाइटी रन कॉलेज है और बड़े थोड़े अरसे दे विच इस कॉलेज ने बड़िया जल्दी अगे ये आया और काफ़ी देश विच मशहूर भी होया पिछे जे असी एक आल इंडिया दी इत्थे एक करवाई भी सैमीनार भी करवाया सी उहदे विच 8 यूनिवर्सिटियां दे वाइस चांसलर भी आए सी और साडे जिहड़े रिटायर होए प्रिंसिपल डॉक्टर एस के नागपाल ये कल 31 अगस्त नूं इन्हां दी 70 ईयर्स दी एज हो गई सी और VCI और यूनिवर्सिटी जिहड़ी है वह 70 साल की उम्र तक मैक्सीमम किसी प्रिंसिपल नूं अलाउ करते हैं और डॉक्टर नागपाल की सर्विसिज मैं हमेशा सलावांगा कि इन्होंने अपने एज प्रिंसिपल बड़े थोड़े टेन्योर दे विच बहुत अच्छे काम किए ने और बड़ी विजन वाले बंदे सी और इन्हां दे करके कॉलेज होर जिहड़ी साडे रुके हुए काम सीगे वह भी इन्होंने अपने थोड़ी टेन्योर पूरे नेपरे चढ़ाए है और असी 4 एज प्रिंसिपल वास्ते साढ़े को 4 बायोडाटा आए थे पूरे देश के विचों उन्होंने 4 के असी काफ़ी 2 महीने की मैराथन बार बार बायोडाटा देख के इन्हों बारे पिछोकड़ पता करके 4 का और असी डॉक्टर प्रदीप कुमार कपूर साहब न जोड़े पिछों बटाला रहने वाले है पंजाबी ने इन्हों सिलेक्ट किया है और हमने इन्हों की जी एज टन्योर रजिस्ट्रार बिहार यूनिवर्सिटी में सी और रीसेंटली लास्ट वीक हरियाणा के गवर्नर ने इन्हों हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटियों में एज एडवाइजर भी लगाया और मैं समझदा कि सानू बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह डॉक्टर नागपाल ने इस कॉलेज वास्ते बड़ी मेहनत की है उस तरह डॉक्टर कपूर जिहड़े ने उन्हें भी इस कॉलेज नू अपने विजन दे नाल होर अगे ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे सो साडा क्राइटेरिया प्रिंसिपल सिलेक्ट करन दा यही है कि प्रिंसिपल का बायोडाटा देखना उहदा पूरा अकैडमिक कैरियर देखना और जिते जिते उन्हें नौकरी की है उहदे बारे असी अपने तरीके दे नाल बड़ी सीक्रेसी दे नाल उहदे बारे पता करदे जिहड़ा तुहानूं नहीं दसना और वह असी अपना बारे पता करते हैं कि जी ये पूरी नौकरी की टनोर है पिछले 30-35 साल वो उत्थे किस तरह की रही है और वो उस कैंडिडेट नूं भी शायद नहीं पता लगता सो साडा सोच तो इस तरह की होंदी है बाकी परमात्मा साडी अकल नूं इन्ने असी हुशियार नहीं गए लेकिन परमात्मा बख्शिश करे कि जिन्हां नूं असी सिलेक्ट किया एज प्रिंसीपल उन्हां नूं परमात्मा साडी आसावां ते पूरा उतरन और विजनरी होण सानूं ऐसी उम्मीद है कि डॉक्टर कपूर जिहड़े ने इह बहुत अगे लैके जाणगे इस चीज़ सर खालसा कॉलेज वर्गी वर्ल्ड फेमस संस्था के नाल जुड़ के किवें दा महसूस हो रहा है मैं अपने आप नूं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हैं कि मैनू अपने ऑनररी सैकटरी साहब ने मेरे ते विश्वास जताया और मेरी जो भी अज तक अचीवमेंट सी उन्होंने उनते देख करके मैनू सेवा करन दा इस सोसाइटी नूं मौका दिता है ते मैं
पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि जो साडा मैंडेट हैगा इस कॉलेज नू दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन देना और साडा जिहड़ा मतलब प्रोडक्ट है जो स्टूडेंट्स बाहर निकलन वो बड़े ट्रेंड वैटनेरियन होकर बाहर निकलन ताकि पूरी सोसाइटी नू सेवा दे सकन।